हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ, मेरी आंखें और मेरा चेहरा देख के लग रही होगा। और उठते ही मम्मा ने मेरे को ब्रेकफास्ट दिया, मैंने बोला था ब्रेकफास्ट में है चाय पाव। ये देखो ऐसे ही पाव लेता वो ऐसे ऐसे खाते हैं, लेकिन है ना मैं तोड़ तोड़ के खा रही हूँ, क्योंकि मेरे से तो बड़ा खा ही नहीं जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसे ऐसे करके खा रही हूँ। एंड गाइस, पाव थोड़ा सा टाइट ही होता है ना, तो इसलिए उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आप भी ट्राई करना अगर आपने नहीं खाया हो तो, बिकॉज मैं तो ऐसे ही खाती हूँ ना कभी कभी। गाइस, अभी शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6:30, और आज भी मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगी इसी से करूंगी, तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। अभी शाम का व्यू दिखा रही हूँ, और शाम को अभी नीशू आई थी जिसने मेरा कैमरा टेढ़ा कर दिया था। वहाँ देखो गना, व्हाट आर यू डूइंग? मेरे बाबू को क्या हुआ? मम्मा इन्हें क्या आंटी बात कर रहे हैं? यहाँ पे दही और लाल मिर्ची और पनीर फ्री में मिला है मम्मा को केशरी कंपनी की तरफ से। नीशू आज पूरे खेलने के मूड में है, और नीशू का ड्रेसअप भी आज यूनिक है। एंड गाइस, टुडे इज अ हैप्पी फादर्स डे, सो फादर्स डे पे जो पापा का गिफ्ट है वो आज शाम को पता चलेगा आप लोगों को, तो वो जरूर देखेंगे। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ, उसके बाद हम आपको भी दिखाएंगे और साथ में पापा का गिफ्ट भी बाय करेंगे, और मेरा कुछ स्कूल का वर्क है प्रिंट आउट्स वाला वो भी करेंगे, बिकॉज आई हैव जस्ट सच अ 10 days और उसमें स्कूल ओपन होने वाला है। मेरे गले की आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही होगी, क्योंकि है ना मतलब ज़ोला मेरा थोड़ा सा बैठ गया है ठंडी चीज़ें खाने से, फिर भी मैं आम खा रही हूँ। एंड गाइस, जब मैंने डव का फेस वॉश यूज़ किया था ना, तो उससे मेरे यहाँ पे मतलब 4 pimples उग गए थे, और वो आज के आज ही रिमूव हो गए अपने आप, बिकॉज गार्नियर इज रिमूव्ड आउट ऑल द पिंपल्स डीप थिंग्स, सो इट्स बेस्ट। बहुत हो गया ज्ञान, तो मिलती हूँ शाम को जाते वक्त। गाइस, अभी रात हो चुकी है और रात के 8 बजने वाले हैं, फिर हम चलेंगे पापा को गिफ्ट दिलाएंगे एंड प्रिंट आउट निकालेंगे एंड कुछ खाएंगे पिएंगे। और अभी मैं दिखा देती हूँ, ये देखो शर्ट नेकर पहन रखा है, वो मेरा स्क्रंची भी ले रखा है हाथ में और रेडी हो गया छोटी। हाँ नहीं, आप पहन लो, और ये शूज है गना के जो कि पहनेगा। ये डिनर में जा रहा है, कहीं डिनर रखा है। अरे डिनर में ही जा रहे हो? हाँ ठीक है, निशु किसी के डिनर में जा रहा है, कहीं पे डिनर रखा है तो वहाँ पे ये जा रहे हैं, वहाँ पे डिनर करके आएंगे। आंटी भी थोड़ी देर में रेडी होगी, आंटी का मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, एंड फिर हम भी चलेंगे। वैसे ना आज पूरी टी शर्ट में मैंने सबसे गंदा काम जो किया ना वो ये किया है, आम गिरा के। मैं जब भी आम खाती हूँ मैं अच्छे से खाती हूँ, कुछ नहीं गिराती, लेकिन जिस दिन मैं व्हाइट टी शर्ट पहनती हूँ ना उसी दिन ये सब हो जाता है। और मुझे याद आया मेरे पास एक और व्हाइट टी शर्ट है जो कि मैं कल वेयर करूँगी, और फिर देखते हैं वो कैसा रहता है। आपको वो टी शर्ट पहली बार देखी या फिर बहुत बार तो वो मुझे बताना, आई थिंक आपने देख रखी है वो शायद। स्टाइल, हर स्टाइल वॉज आंटी जो है वो मेरे जैसा, मतलब आंटी से मैंने देखा था कि आंटी भी यूज़ करती है, तो आंटी भी गार्नियर का यूज़ करती है, तो आपने मेरे साथ का ग्लो भी देखा है, आज आंटी वाला ग्लो भी देख लेते हैं कैसा लगता है। एस एस को लगाना है। मैंने वहाँ इसलिए रखा था बिकॉज आंटी के जो फेस वॉश का जो वो होता है ना यहाँ पे लगा हुआ है थोड़ा सा।
आंटी ने फेस क्लीन कर लिया है, रब नहीं करना है, सील करना है। तो स्टेप वन इज़ क्लियर, जो कि मैं भी करती हूँ। फिर स्टेप टू में तो मैं जो फाउंडेशन कंसीलर वाला पार्ट होता है ना वो करती हूँ। आंटी देखते हैं क्या करती है। नहीं, पहला तो स्किन केयर होता है ना, तो आंटी जो है वो लेंस वेयर कर रही है। लेंस मतलब जो वेयर करना होता है ना वो तो मुझे नहीं पता, पर जब उसको उतारते हैं ना तो ऊपर से वन और नीचे से टू करके और उसको आंखों को ब्लिंक करके निकाल लेते हैं। ओके, ओके तो आप आंटी की आइज देख सकते हो, वैसे पेन हो रहा है, आंसू आते हैं, बट सही है, ठीक है। ओके आंटी ने अच्छे से रब मतलब सील कर लिया, आंसू आते हैं उनको। और अब चलते हैं स्टेप थ्री पर, नहीं स्टेप टू पर, क्योंकि स्टेप वन फेस वॉश था। स्टेप थ्री पर, हाँ थ्री पर। आंटी अप्लाई मॉइस्चराइजर वेरी नीटली, बिंदी हटा के। मॉइस्चराइजर लगाना तो ज़रूरी है, बिकॉज फिर मेकअप करते हैं ना, तो उसका सबसे मेन पार्ट यही होता है कि फर्स्ट यू अप्लाई दो मॉइस्चराइजर। और जो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं ना तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन जब वो दिन में कहीं इवेंट में जा रहे हो, रात में जा रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जिनके लिए हैं उनको तो पता नहीं होगा। देन अप्लाई वैसलीन। छोटे इवेंट में जाते हैं ना तो बेबी क्रीम, बड़े में जाते हैं तो फाउंडेशन कंसीलर। आंटी अप्लाई द बेबी क्रीम, क्योंकि बेबी क्रीम जो है वो स्किन को नेचुरल ग्लो दे देती है। वैसे आंटी नेचुरल ही है, नेचुरल ब्यूटी, बट आंटी फिर भी अप्लाई कर रही है, क्योंकि कहीं पे भी जाना हो तो तैयार होकर ही जाना पड़ता है। ब्लेंड वो हैंड से कर रही है अभी, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कर रही। आफ्टर दैट वो काजल और लिपस्टिक लगा लेगी और उसके बाद आंटी का लुक कम्प्लीट हो जाएगा। अभी हम आ चुके हैं और पापा ने मतलब मम्मी ने जो बोला कि अभी तो आप बच्ची हो तो अभी आप रहने दो गिफ्ट के लिए, तो हमने गिफ्ट रहने लिया। लेकिन हाँ, पापा को ब्लेस जरूर कर दिया, मैं बहुत ब्लेस हूँ, तो वही सबसे अच्छी बात होगी। एंड अभी मोमोज पैक करा के लाए हैं, पहले फ्राइड राइस खाएंगे, येलो वाले पुलाव जो होते हैं ना वो, और उसके बाद ये खाएंगे। बिकॉज अगर मैंने मोमोज पहले खा लिया और चावल बाद में खाए तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है मोमोज खाने का। और जो भी मोमोज लवर है ना वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो पहले पुलाव खाएंगे फिर मोमोज खाएंगे, और मोमोज के साथ साथ अंकल मेयोनीज भी देते हैं, तो हम दोनों माँ बेटी जो हैं वो चावल के अंदर मेयोनीज डाल कर खाएंगे। और अभी बता नहीं कोई श्री कोई नई दुकान खुली है डेयरी की, तो है ना उसकी तरफ से हमें जो है वो फ्री में दही और दूध और पनीर सब मिला है। ये देखो येरा श्री का, तो इसका दही दिखाती हूँ। श्री नहीं है, शी है, येरा दही, तो इसको भी ऐड करेंगे उसमें पुलाव में और फिर डाल के इसको खाएंगे। दही मुझे ना बाहर वाला ही पसंद है। अरे अरे, हाँ बाहर वाला ही पसंद है, क्योंकि है ना घर वाला मम्मा आजकल अच्छा नहीं बनाती। यहाँ पे ये रेडी हो रहा है, खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। मम्मा बस जल्दी से बना देना, बिकॉज मेरे से मोमोज का भी वेट नहीं किया जा रहा। इस जिस फेवरेट ठेले पे मैं जाती थी वहाँ पे 20 रुपए के 6 मिलते थे, इस ठेले पे 5 मिले हैं, तो तीसरा ठेला हमने न्यू ट्राई किया है। इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखा होगा, तो वैसे इनकी शेप्स बहुत अमेजिंग है और बहुत यूनिक है और बहुत टेस्टी भी लग रहे हैं, ये आप देख सकते हो। और इसकी चटनी है, नॉर्मल सी चटनी है, बट देखने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और यम है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, इट्स रियली यम। इससे पहले वाले जो ठेले में मैंने खाए थे ना वो मुझे इतने ज़्यादा बेटर नहीं लगे थे, लेकिन कुछ भी खाओ, जिस ठेले पे मैं हमेशा से खाती हूँ उसी की वाइब अच्छी है। गाइस मम्मा ने अभी रेडी कर दिया है, तो मम्मा ने बना डाला, क्यों यहाँ पे बन गए हैं पुलाव टेस्टी टेस्टी कसूरी मेथी के साथ, और शीर का भी दही और घर का भी दही, और ये पूरी प्लेट है। वैसे ये सोयाबीन है, कोई बिरयानी मत समझना, और यहाँ पे मोमोज है। तो चलो गाइस खाते हैं इनको जल्दी से, लेट्स ईट फर्स्ट बाइट विद सोयाबीन एंड यू जस्ट ईट। गाइस ये बहुत यम्मी है। सो गाइस इसके अंदर पोटैटो भी है। गाइस अभी रात हो चुकी है एंड आई होप यू एंजॉय माय व्लॉग ऑफ टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।